एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आप ही की डिमांड पे एक बहुत बड़ा और काफी खूबसूरत सा टेबल कवर। काफी दिनों से आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे एक बहुत ही प्यारे से टेबल कवर के डिजाइन के लिए, तो आज मैं आपके लिए ये डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन है, बिल्कुल अलग पैटर्न पे मैंने ये टेबल कवर बनाया हुआ है। आई होप आपको ये टेबल कवर जरूर पसंद आएगा। अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है अभी तो प्लीज फटाफट से लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिएगा कितना बड़ा और कितना खूबसूरत सा ये टेबल कवर बना हुआ है। और इसकी ये डिजाइन देखिए, बिल्कुल सिंपल डिजाइन है, कुछ भी नहीं है इस डिजाइन में। देखिए कितनी प्यारी और सिंपल सी डिजाइन है। और इसका ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है, बॉर्डर भी काफी ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि ये इतना इजी पैटर्न है कि और आप इसको चाहे जितना बड़ा चाहे जितना छोटा बना सकते हैं। मैंने इसमें देखिएगा 4 स्क्वायर्स बनाए हैं। आप चाहे तो 2 से भी बना सकते हैं, चाहे तो 6 से बना सकते हैं, जितने भी चाहे उतने आप इसमें बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए पहले मैं इसके आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कि मैंने जो बनाया है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ये जो टेबल कवर बनाया है इसकी लंबाई है, अगर मैं यहाँ से इसे मेजर करूँ, तो ये 45 से 46 इंच लगभग लंबा है। और अगर मैं इसकी चौड़ाई आपको बताऊं तो चौड़ाई इसकी है 21 इंच है। तो आप इतना अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसको बनाने से पहले क्या करिएगा, अपने टेबल का मेजरमेंट ले लीजिएगा। मेजरमेंट लेने के बाद ही किसी भी कवर को बनाइए। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे और कितना बड़ा इसे बनाना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी कोई भी चीज़ बनाइए तो वीडियो को एक बार पहले देख लीजिए। जब आप एक बार वीडियो को देख लेंगे, बिना बनाए हुए उसे देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि चीज़ कैसे बनी हुई है, प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। और अगर आप उसको छोटा या बड़ा बनाना है, आप पहले एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आप खुद उसे अपने आप बना सकते हैं। बीच बीच में अगर आप बनाते जाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं इसे कैसे बड़ा बनाऊं और कैसे छोटा बनाऊं। एक बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बना हुआ है और इसे किस तरीके से बनाना है। उसके बाद ही उसे बनाना स्टार्ट करें, ताकि कोई भी गलती आपके प्रोजेक्ट में ना हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यूज की है 3-ply वूल। देखिएगा ये 3-ply वूल है, और इसी के साथ मैं इसमें लगाऊंगी 3.5 mm की क्रोशेट हुक। ये देखिए 3.5 mm। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, बना लेना है आपको एक मैजिक लूप। इस तरह से एक मैजिक लूप बनाएंगे। ये देखिए क्रॉस बना के मैंने रेडी किया, और इसी में से इस तरह से अपने धागे को निकाल लेंगे। सबसे पहले बना लेनी है 3 chain, 1, 2, 3। 3 chain एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 1, 2, 3 ये 3 chain बनाई है स्पेस के लिए। और अब इसी के बाद इसी होल से हमें बना लेनी है पहले 3 double crochet। तो होल से ही डालेंगे, वन 2, 3, फिर से 1, 2, 3। 3 chain बना ली, और 3 chain के बाद सेम इसी होल से 1, 2 और 3। अगेन 1, 2, 3, 3 chain बनाएंगे, और फिर से इसी से 3 double crochet बना लेंगे, 1, 2, 3,
दो और ये तीन, और इसके बाद फिर से एक बार तीन चैन बनाएंगे, वन टू थ्री, और अब इसमें बना लेंगे दो डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया इसलिए क्योंकि पहले हमने तीन चैन बना के स्टार्टिंग जब की थी तो वो एक डबल क्रोशिया हो गई थी। तो ये देखिए इस तरह से हमने टोटल एक दो तीन और चार बार किया। लूप को खींच देंगे टाइट से, टाइट से लूप को खींचने के बाद ये जहाँ आपने तीन चैन बनाई हुई है, जो थर्ड नंबर वाली चैन है वन टू थ्री, इस थर्ड नंबर वाली चैन में अपने वर्क को ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह का एक स्क्वायर बन के रेडी हो गया, एक दो तीन और चार, चार इसमें ग्रुप बन गए। और अब इसी ये वाला जो पार्ट है तीन चैन वाला जो आपका पार्ट है, इसमें एक स्लिप स्टिच लगा के इसमें आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः चैन बनाई अगेन, और इसी चेन स्पेस से जो तीन चैन का स्पेस है इसमें से तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, वन टू थ्री। इसके बाद एक चैन बनाएंगे एक कॉर्नर, और तीन डबल क्रोशिया के बाद अब आपको एक चैन बनानी है। और फिर ये जो दूसरा वाला कॉर्नर है इसमें तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्पेस से ही बनाएंगे, उसी सेम कॉर्नर से। देखिए मैंने तीसरा बनाया, यहाँ पे वन टू थ्री, तीन चैन बनाऊंगी और फिर से सेम स्पेस से ही वन टू और ये थ्री, अगेन एक चैन का स्पेस दिया। और अब नेक्स्ट कॉर्नर में तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया इसमें बना लूंगी। तो इसमें भी तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया, और इसमें भी तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए दोनों में बना लिया, इसमें भी बना लिया और इसमें भी बना लिया। और अब फिर से एक चैन का स्पेस देंगे, और एक चैन का स्पेस देके क्योंकि हमने यहाँ पे जब बनाया था तो इन दोनों के बीच में, दोनों कॉर्नर के बीच में एक चैन का स्पेस दिया है, तो यहाँ भी एक चैन का स्पेस देंगे। और अब इसमें देखिएगा तीन ही डबल क्रोशिया है और एक ही हमने जो तीन चैन बनाई है ये हो गई, दो डबल क्रोशिया इसमें बनाने बाकी है, तो अब इसी स्पेस से डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, वन एंड टू। और फिर से जो थर्ड वाली चैन है, जो थर्ड नंबर चैन है, इसमें क्रोशिया को डाल के वर्क को ऐड कर दीजिए। ये देखिए अगेन ऐसा एक स्लिप स्टिच लगा के इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे और फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चैन बना ली, तीन एज अ डबल क्रोशिया और तीन एज अ स्पेस, और अगेन इसमें तीन, वन टू और थ्री। ये हमारा तीसरा राउंड है और उसके बाद एक चैन बनाई। और अब देखिएगा दो कॉर्नर के बीच में भी एक स्पेस हो गया है, तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये स्पेस, जहाँ जहाँ ये वाला स्पेस है वहाँ वहाँ आपको तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो एक दो और तीन, सिर्फ कॉर्नर में आपको तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में जो भी स्पेस बढ़ेगा उसमें सिर्फ आपको तीन डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से एक चैन का स्पेस देंगे और अब कॉर्नर है तो कॉर्नर में अगेन तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और अगेन लास्ट तक ओवर करेंगे। फिर से एक चैन बीच वाले पार्ट में, दो कॉर्नर के बीच में एक वाला एक ब्लॉक रेडी हुआ है तो इसमें भी तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जैसे आपने यहाँ बनाया है वैसे ही इसमें बना लीजिए और इसमें बना लीजिए, कॉर्नर सेम वैसे ही बनेंगे जैसे बनाए हैं, तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया बना के इस वाले कॉर्नर तक, और उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है इस वाले ब्लॉक तक रेडी कर लेते हैं, लास्ट ब्लॉक तक। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा बना लिया, कॉर्नर कॉर्नर की तरह बनाया और जो ब्लॉक रेडी हुआ ब्लॉक की तरह। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ये देखिएगा ब्लॉक बढ़ते जाएंगे, पहले एक ही ब्लॉक था अब यहाँ पे दो हो गए हैं। कॉर्नर सेम वैसे ही बनाना है, सिर्फ ब्लॉक जहाँ जहाँ बढ़ता है वहाँ वहाँ आपको तीन डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है। तो अब यहाँ पर भी तीन डबल क्रोशिया मैंने बनाई, ब्लॉक में एक चैन बनाई
और अब ये जो कॉर्नर है इसमें अभी दो डबल क्रोशिया बनानी बाकी है, इसे लास्ट में बनाते हैं। तो अब यहाँ पे पहले दो डबल क्रोशिया बना के वर्क को ऐड करेंगे। जो थर्ड नंबर चैन है इसमें वर्क को ऐड करके अगेन सेम प्रोसेस को करेंगे। फिर से अब राउंड नंबर फोर्थ में आ गए हैं, कॉर्नर वैसे ही बनेगा। पहले छः चैन बना लेते हैं और उसके बाद फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, एक चैन। और अब यहाँ पे देखिएगा दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है एक ब्लॉक ये है, तो दोनों में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। एक ब्लॉक बनाने के बाद एक चैन का स्पेस दिया और फिर से दूसरा बना लेंगे, वन टू और ये थ्री। ब्लॉक साफ समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें बनाने में। तो ये देखिए इस तरह से ब्लॉक बनेगा, कॉर्नर को कॉर्नर के जैसे ही बनाएंगे, फिर से ये सारे ब्लॉक बनाएंगे, फिर से कॉर्नर को कॉर्नर के जैसे और ब्लॉक। तो ये फोर्थ राउंड है, फोर्थ राउंड को ऐसे ही पूरा बना के ओवर करेंगे और जस्ट ऐसे ही फिफ्थ राउंड भी बना के रेडी कर लेंगे। अंतर बस इतना होगा फिफ्थ राउंड में आपके पास तीन ब्लॉक रेडी हो जाएंगे। तो टोटल फाइव राउंड इसमें बनाने हैं, वन टू थ्री फोर्थ बन रहा है, इसके बाद एक और राउंड बना के रेडी कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने पांच ब्लॉक्स बना के रेडी कर लिए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल फाइव बन के रेडी हो गया है ये। और अब इसमें एक चैन बना के धागे को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो धागा है आपका उसको वहीं पे तो ये हमारा एक पार्ट बन के रेडी हुआ, एक ब्लॉक बना के हमने पूरा रेडी कर लिया है, पूरा स्क्वायर बन के हमारा रेडी है। तो इसमें से आपको कई ऐसे ही स्क्वायर बनाने होंगे, जो पैटर्न बना है वो स्क्वायर से ही बना है, इस तरीके के कई स्क्वायर्स बना के ऐड किया है मैंने। तो ऐसे ही आपको कई स्क्वायर बना के रेडी करने होंगे। मैं अपने प्रोजेक्ट में इसमें आठ स्क्वायर बनाऊंगी। आप पहले अपने टेबल की नाप ले लें, कितना बड़ा आपका टेबल है, कितना बड़ा आपको बनाना है, और उसके बाद इस तरीके से इसको रख के मेज़र कर लें। तो जितना भी लंबा हो तो इस तरह से हमें इसे बर्फी के स्टाइल में रखना है। तो मेज़र कर लें कि एक, फिर उसके बाद दो, फिर तीन, जैसे मैंने ये देखिएगा ये दूसरा बनाया है, इसको मैं ऐसे सेट करूंगी इसमें। तो इस तरह से आपको बना के रेडी करना है। ये एक रो होगी, ये इसे रेडी करके देख लें कि आपके में कितने ब्लॉक्स इस तरीके के बन के रेडी होंगे। और उसके बाद चौड़ाई में भी मेज़र कर लें इसी तरीके से कि चौड़ाई में कितने लगेंगे। तो जैसे मैंने चौड़ाई में इस तरीके से इसको रखा, तो जैसे मैं ये रखूंगी ये लंबाई में चला जाएगा, एक चौड़ाई में चला जाएगा। तो चौड़ाई आपकी दो पे ही आ रही है या तीन में आ रही है, हो सकता है आपकी लंबाई में पांच लगें और चौड़ाई में तीन लगें, लंबाई में सात भी लग सकते हैं, चौड़ाई में तीन ही लग सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले टेबल को मेजरमेंट कर ले लें, टेबल में कितने लगेगी, तभी आप ब्लॉक्स बनाएं। मैं इसमें टोटल आठ ब्लॉक बना के आपको इसको बताऊंगी कि कैसे इसको ऐड करना है। तो इसमें पहले इस तरह के पूरे ब्लॉक्स बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ मैंने टोटल इसमें एट बना के रेडी कर लिए हैं, सारे मेरे स्क्वायर्स बन के रेडी हो गए हैं, एट बनाए हैं मैंने। आपको जितना बड़ा बनाना है पहले आप उतने स्क्वायर्स बना लें। तो अब हमें इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक एक करके इन्हें हमें इस तरह से बर्फी शेप में ऐड करना है। उसके लिए सबसे पहले कोई भी एक स्क्वायर ले लें, कोई भी एक पैटर्न उठा लें, और इसमें भी एक राउंड सेम ऐसे ही, जो ये वाला राउंड आपने बनाया है पूरे में जो राउंड बनाया है पूरा एक राउंड सेम ऐसे ही बनाना है, दूसरे कलर से, जिस कलर को भी आप यूज करना चाहते हैं उस कलर को ले लें। और सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां से करते हैं, छह चैन से स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले गांठ लगा लीजिए कॉर्नर में, किसी भी एक साइड में गांठ लगा के सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है। तो ये पहला वाला जो स्क्वायर है ये ऐसे ही बनेगा, उसके बाद के स्क्वायर थोड़े थोड़े बना के पहले ऐड किए जाएंगे, फिर आगे का बनाया जाएगा। चार पाँच छः, छः बना के सेम वैसे ही करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे आपने बाकी के राउंड बनाए हैं सेम ऐसे ही इसे भी बना के रेडी कर लेते हैं। टू थ्री, एक चैन और जो बीच बीच का जो ब्लॉक दिख रहा है इसमें वैसे ही तीन तीन डबल क्रोशिया बनानी है। तो सेम पैटर्न को ही रिपीट करिए और इस वाले राउंड को भी ऐसे ही बना लीजिए जैसे अपना लास्ट राउंड बनाया है ये वाला, सेम वैसे ही आपने इसे को भी बनाना है। ये देखिए इस तरह से सेम वैसे ही मैंने बनाया है जैसे बाकी के
बनाए हुए हैं वैसे ही इसका ऊपर वाला भी डिज़ाइन मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चैन बना के धागे को कट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न इसका बन के रेडी हो गया। और अब इसे हमें ऐड करना है अपने दूसरे वाले स्क्वायर में। तो इसमें क्या करेंगे, सेम इसी पैटर्न को बनाएंगे, पर पहले थोड़ा सा बना के इसे ऐड कर लेंगे, फिर बाकी का प्रोसेस इसमें करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेम इसी पैटर्न को बनाना है जो यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया है तो इस वाले कॉर्नर को और फिर लास्ट वाले थर्ड कॉर्नर से पहले वाला जो ब्लॉक है यहाँ तक इसे बना के पहले रेडी करना है। सेम प्रोसेस ही करेंगे, 6 चैन से स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 5, 6 और यहाँ से बनाते हुए इसे 1, 2, 3 एक चैन ब्लॉक्स के बीच में वैसे ही ब्लॉक बना लेना है। ऐसे ही कंटिन्यू करिए, सेकंड वाला कॉर्नर भी बना लीजिए और इसके बाद जो थर्ड कॉर्नर से पहले वाला ब्लॉक है यहां तक इसे बना के पहले रेडी कर लेते हैं। एक यहां से स्टार्ट किया, एक कॉर्नर ये बनाया और उसके बाद फिर थर्ड कॉर्नर से पहले वाला जो ब्लॉक है वहां तक बना के रेडी कर लिया। इसे पहले वाले को हमें पूरा बनाना है और उसके बाद के जितने भी बनाने हैं पहले इतना बना लेना है, ऐड करना है, उसके बाद आगे का बनाना है। तो इस चीज़ को पहले ही बता दे रही हूँ मैं इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जैसे एक बनाऊंगी वैसे ही आपको एक साइड के सारे लगाने होंगे। जैसे मैं इसको ऐड करूंगी यहाँ पे, सेम वैसे ही आपको इसके आगे के भी सारे ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे अब देखिए इसे ऐड कैसे करेंगे, वैसे ही एक चैन बनाई, जो कॉर्नर है कॉर्नर में पहले 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3, 3 डबल क्रोशिया बना ली। उसके बाद फिर 3 चैन बनाते हैं, तो 3 चैन न बना के पहले 1 चैन बना लेंगे। और 1 चैन बनाने के बाद ये जो इसे सीधा रखिए, ये हमारा सीधा है, ये देखिए ये भी पार्ट सीधा है, ये भी पार्ट सीधा है। तो जो ये कॉर्नर वाला साइड है इसका, ये जो ये एक कॉर्नर इसका सिलेक्ट कीजिए और इसमें नीचे से ये देखिए कॉर्नर में जो 3 चैन वाला स्पेस है इसमें नीचे से क्रोशिया को डालिए, इस तरह से निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। उसके बाद फिर से 1 चैन बना लेंगे, तो 1 चैन बनाएंगे, उसके बाद फिर वर्क को ऐड करेंगे और फिर से 1 चैन बना लेंगे। तो इस तरह से जो 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन बनती है वो भी कवर हो जाएगी और वर्क भी ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से ऐड करना है बाकी के भी आपको, एक साइड के, एक साइड में अगर आपने 4 बनाए हैं तो 4, 5 बनाए हैं तो 5 और फिर से इसी स्पेस से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बहुत ईजी है इसे ऐड करना, इसे कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए उसके बाद फिर से 1 चैन बना लीजिए, जहां जहां ब्लॉक्स बने हैं वहां ब्लॉक्स और जहां कॉर्नर है वहां कॉर्नर, 2 और ये 3। तो इस तरह से ये ऐड हो गया, ये पार्ट पूरा ऐसे ही बना लेंगे, फिर से ये पार्ट बना के यहाँ पे वर्क को ऐड कर देंगे। तो ये पहले इतना बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि तीसरा वाला कैसे ऐड करना है। इसे पूरा बना लीजिए, तीसरे वाले में इसको बना लीजिए, जो 2 पार्ट आपने दूसरे वाले में यहाँ तक बनाए हैं एल शेप से, ये भी बना लेती हूँ, फिर ऐड करके बताती हूँ आपको। ये देखिए अब एंड में वर्क को ऐड वैसे ही करना है, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना के 3 चैन में वर्क को ऐड करते हैं। तो सेम वैसे ही करिए, 2 डबल क्रोशिया बना ली और ये 3 चैन जो बनी थी, जो 3rd नंबर चैन है, इसमें वर्क को ऐड कर देंगे, फिर से 1 चैन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे और अब इसमें 3rd 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे धागे को पहले कट कर लें, ये देखिए इस तरह तीसरे वाले में भी पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट करके एक कॉर्नर बना लिया है और दूसरे कॉर्नर से पहले वाले ब्लॉक पर आ गई हूँ। और अब इसमें भी वैसे ही करना है, पहले 3 डबल क्रोशिया बना लीजिए, 1 कॉर्नर है ये, ये देखिएगा ये कॉर्नर साइड है, तो जिसमें इसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो वैसे ही 3 डबल क्रोशिया बना ली, 1 चैन बनाई और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वन है, जो सेकंड वाले में है, पहले में दूसरा ऐड किया, दूसरे में तीसरा ऐड करेंगे, सेम वैसे ही ऐड करेंगे, इसके जस्ट नीचे वाला जो कॉर्नर है इसे सिलेक्ट करेंगे,
और कॉर्नर के बीच में जो तीन चैन का स्पेस है ये देखिएगा, जो तीन चैन का स्पेस है इससे क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, एक चैन बनाएंगे और एक चैन बना के अगेन इस कॉर्नर में अभी तीन डबल क्रोशिया बाकी है तो उसे बना लेंगे, 1 3 एक चैन, और जो बाकी के आगे का प्रोसेस है वो सेम वैसे ही रहेगा। आगे के प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको ऐड करके सेम वैसे ही राउंड बनाना है जैसे आप बनाते आ रहे हैं, 2 और 3। ये देखिए इस तरह से 3 ऐड हो गए। तो आपके पास जितने भी हैं, 4 हैं 5 हैं 6 हैं, एक साइड में लगने वाले जो सिर्फ एक लाइन में लगेंगे उसके जितने भी हैं इसी तरह से आपको ऐड कर लेना है सारे। तो मैं इसमें अपने चारों ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं इस साइड का ऐड करना बताती हूँ। तो इस तरह से देखिएगा मैंने अपने चारों इसमें ऐड कर लिए हैं, एक तरफ के चारों ऐड हो गए हैं। अब दूसरे तरफ का ऐड करना है, तो दूसरे तरफ का ऐड करने के लिए भी प्रोसेस सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसको दो बार ऐड करना होता है, एक बार हमें ऊपर की साइड और एक बार बीच में ऐड करना है। तो पहले स्टार्टिंग सेम वैसे ही करेंगे जैसे आपने ये वाले ऐड किए हैं वैसे ही इसमें इसे ऐड करना है। तो वैसे यहाँ से स्टार्ट करिए, किसी भी एक कॉर्नर को ले लीजिए और वहाँ से सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, दो कॉर्नर बना लेने हैं पहले और तीसरे कॉर्नर पर ऐड करना है। तो 1 2 3 बनाना सेम वैसे ही है। यहाँ मैंने देखिए सेम वैसे ही बनाया है, फिर से एक चैन बनाई है और ब्लॉक्स जो हैं उसके अंदर ब्लॉक्स ही बनाए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे ये वाला देखिए कॉर्नर मैंने शुरू किया, इस कॉर्नर को ऐसे ही बना लीजिए और ठीक वैसे ही जो थर्ड नंबर वाला कॉर्नर है उससे पहले वाले ब्लॉक में आ जाइए। यहाँ तक पहले सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू रखिए, फिर मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरह से इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, एक कॉर्नर बनाया और उसके बाद जो तीसरे नंबर वाला कॉर्नर है वहाँ तक आ गए। सेम वैसे ही इसमें फिर से करेंगे, पहले एक चैन बना के तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 3 एक चैन बनाई। और अब ये देखिएगा ये वाला हमारा एक साइड वाला है, दूसरे साइड में इसे ऐड करना है। तो दूसरे साइड के लिए इस वाले ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ यहाँ पे हमने ऐड किया है, इससे जस्ट बगल वाला इस साइड वाला जो कॉर्नर है वहाँ इसके ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका सेम वैसे ही है, ये आप सीधा रखिए इसे और इसे, इन दोनों पार्ट को आपको सीधे के साइड पर रखना है और इसमें नीचे जो तीन चैन वाली स्पेस है ये देखिए, इससे आपको क्रोशिया को डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेनी है। फिर से एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाने के बाद अगेन इस वाले स्क्वायर को पूरा करेंगे, इसके चारों तरफ के साइड्स को पूरा करना है। तो सेम वैसे ही पूरा करेंगे, फिर से तीन डबल क्रोशिया यहाँ बना ली, एक चैन बनाई और एक चैन बना के अगेन जो ब्लॉक्स बचे हुए हैं उन्हें वैसे ही बना लेना है। इस तरह से ये हमारा ऐड हो गया और अब इसे पूरा ओवर कर लीजिए, यहाँ से लेके पूरा बनाइए, ये कॉर्नर भी सेम वैसे ही बना लीजिए और लास्ट में जैसे बनाते हैं वैसे ही दो डबल क्रोशिया बना के तीन चैन में उसे ऐड कर दीजिए। ये वाला ऐड हो गया है और अब जैसे मैं ये वाला ऐड करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसे हमें मैं पहले बता देती हूँ यहाँ ऐड करना है और यहाँ ऐड करना है, तो जैसे मैं इसे ऐड करूँगी वैसे ही आपको इसके बाद के भी ऐड करने हैं। तो स्टार्टिंग सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पहले दो ब्लॉक के कॉर्नर, ब्लॉक के दोनों दो कॉर्नर न बना के पहले एक ही कॉर्नर ये वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 एक चैन बनाएंगे और ये बीच के सारे ब्लॉक्स बना लेंगे नेक्स्ट कॉर्नर तक की। ये देखिए ये वाले यहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट वाले ब्लॉक तक आ गए और कॉर्नर में पहले वैसे ही करेंगे, 1 2 3 तीन डबल क्रोशिया बना के एक चैन बनाऊंगी और यहाँ पे देखिएगा ये वाला है तो पहले इस वाले कॉर्नर पे इसे ऐड करेंगे। ऐड इसे वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे हैं,
एक चैन बना के ये देखिए इसको ऐसे उठाया और नीचे से ही लेते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना दी। एक चैन बनाएंगे और सेम प्रोसेस को ही करेंगे, एक दो और तीन, एक चैन और फिर से इस वाले ब्लॉक तक आ जाएंगे। 1 2 3 4 जो फोर ब्लॉक है वो बना लेंगे और नेक्स्ट वाला जो कॉर्नर है वहां तक आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐड किया, यहां से ब्लॉक्स बनाते हुए यहां पे आ गई और कॉर्नर में भी जो पहले 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं वो मैंने बना दी। ये 3 डबल क्रोशिया कॉर्नर वाली पहले मैंने बना ली, एक चैन बनाऊंगी और एक चैन बना के अब यहाँ पे देखिएगा बहुत इजी है। पहले यहाँ पे आपने इसे ऐड किया और अब इसी रो को इस जगह पे ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका सेम वैसे ही है। तो ये आपका ऐसे ही रखा हुआ है, इसे भी नीचे से उठाएंगे जो नेक्स्ट वाला कॉर्नर है और इसे ये देखिए ये ऐड कर लिया। एक फिर से चैन बनाई और सेम इसी जगह पे डबल क्रोशिया बना ली। बाकी का पैटर्न फिर से सेम वैसे ही करेंगे। फिर से मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये इस तरह से ऐड हो गया और ये वाला प्रोसेस सेम ऐसे ही करेंगे। ये उसके बाद दूसरा वाला भी मैंने पूरा ओवर कर लिया। मैंने सोचा मैं एक और आपको बता देती हूँ ऐड करके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। और अब ये तीसरे वाले में भी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और स्टार्ट करके अब मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। कोई भी आप इसमें ब्लॉक्स जोड़ेंगे तो पहले जो आप जोड़ चुके हैं उसे पूरा ओवर कर लेंगे। जैसे मैंने ये देखा यहाँ पे इसे ऐड करके ये पूरा पहले ओवर कर लिया है, उसके बाद ही नेक्स्ट वन को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया और एक चैन बना ली है और अब इसे पहले यहाँ पे ऐड करूँगी इधर वाले में। देखिए पहले इस वाले में ऐड करते हैं फिर इस वाले में ऐड करते हैं। जैसे ही आप इसे पूरा ऐड कर लेंगे ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। तो देखिए 3 चैन वाले स्पेस पे ही मैंने इसे डाला और ऐड कर लिया, एक चैन बना ली और अगेन वर्क को वैसे ही स्टार्ट किया। कॉर्नर की जो 3 डबल क्रोशिया बची है उसे बना लिया और अब इसके बाद ब्लॉक्स बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर पे आ जाऊंगी। ब्लॉक्स बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर पे आएंगे, पहले 3 डबल क्रोशिया और एक चैन बना लेंगे, 1 2 और ये 3, एक चैन बना ली और अब इसे इस वाले पे ऐड करना है। सेकंड वाले को सेकंड वाले पे ऐड किया, थर्ड वाले को थर्ड वाले पे ऐड करेंगे, सेम वैसे ही ऐड करेंगे। देखिए इसका जो 3 चैन वाला स्पेस है यहाँ से इसे उठाएंगे और सिंपल ऐड कर देंगे। एक चैन बना के फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस ब्लॉक को भी पूरा ओवर करेंगे। ये देखिए इसे भी पूरा ओवर कर लेंगे और इसके बाद वाले को ऐड करके पूरा तैयार करें फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने चारों अपने, मेरे पास चार चार थे तो मैंने चारों अपने ऐड कर लिए हैं। आपके पास जितने हैं आप उतने ऐड कर लीजिए। और अब मैं इसके अंदर का ब्लॉक भरूंगी, ये वाला जो पार्ट है हमारा स्क्वायर, इसे मैं फिल करूंगी। कैसे फिल करना है, जैसे मैं एक फिल करूंगी वैसे ही आपको इसमें सारे फिल करने हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मेन कलर है आपका ये वाला, एक लाइन इससे बनेगी और उसके बाद सारी लाइंस वाइट से बनेंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें ये जो हमारा कॉर्नर साइड है इसमें वर्क नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ वाला जो इसके बाद वाला ब्लॉक है ये देखिए, ये वाला जो ब्लॉक है इसमें धागे को ऐड कर लीजिए। जैसे ही वाले ब्लॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 हैं अब हमारे पास, तो पांचों में ऐसे ही सेम ही प्रोसेस करेंगे। 1 2 3, 3 चैन बना ली और 3 चैन बना के इसी जगह से 2 और डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2, ठीक है। एक चैन बनाई, अब उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट वन में बनाएंगे 1 2
3, उसके बाद इस वाले में बना लेंगे एक चैन, और ये देखिएगा लास्ट वाला ब्लॉक है 1, 2, 3। तो ये एक साइड का मैंने देखिए यहां से स्टार्ट किया, मैंने एक साइड के ब्लॉक को बना के रेडी कर लिया। और अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो इसके बगल वाला ये वाला जो पार्ट है इसमें बना रहे हैं, अब इसमें डायरेक्ट जंप करेंगे। और यहाँ का जो ब्लॉक है, ये देखिए ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में बनाना है, जो कॉर्नर है कॉर्नर में कुछ नहीं करना है, ब्लॉक में ही बनाइए 1, 2, 3, एक चैन, और इसी वाले के जो आगे के सारे ब्लॉक्स हैं इसको बना लीजिए पहले 1। ये देखिए इस तरह से इस ब्लॉक से सीधे हमने यहाँ पे जंप किया। ये तीनों ब्लॉक्स भी बना के पहले रेडी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे लास्ट ब्लॉक लिया, और लास्ट ब्लॉक के बाद कॉर्नर को छोड़ दिया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ जंप किया और इधर के सारे ब्लॉक्स बना लिए। और अब इधर के सारे ब्लॉक्स बनाने के बाद अब ये वाला जो हमारा इसके बगल वाला पार्ट है इसमें बनाना है। ये देखिए जो एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो अब इसमें भी ब्लॉक के बाद डायरेक्ट ब्लॉक पे ही जंप करेंगे इस जगह पे, और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, 3, एक चैन बनाई, और ये सारे ब्लॉक्स जो इसके वाले सारे ब्लॉक्स हैं इनको भी ओवर कर दीजिए 3। ये देखिए 3 साइड ओवर हो गई, एक ये ओवर हो गई, एक ये ओवर हो गई, एक ये ओवर हो गई। और अब इसके बाद डायरेक्ट यहां से यहां जंप करेंगे और इसे भी ओवर कर लेंगे 3। ये वाला ब्लॉक है, और इस ब्लॉक से डायरेक्ट इस वाले ब्लॉक में जो नेक्स्ट वाले का है उसके ब्लॉक में जंप करेंगे और पूरा ओवर करेंगे इसे भी। सब में बनाना आपको 3-3 डबल क्रोशिया ही है, और हर एक ब्लॉक के बीच में एक चैन का स्पेस देना है। इसे भी पूरा यहां तक बना के रेडी करेंगे। इसे भी बना के रेडी कर लिया, और अब वहीं पे आ गई हूं मैं जहां से मैंने स्टार्ट किया था। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ जो 3 चैन वाला स्पेस है, जो 3 चैन आपने बनाई थी, तो 3rd नंबर वाले चैन में वर्क को अपने ऐड कर दीजिए। एक चैन बना के धागे को कट कर लेंगे, ये देखिए ये एक राउंड बनके रेडी हो गया। और अब इसके बाद सेम इसी के अंदर हमें करना है, तो इसमें कोई वर्क नहीं करना है। ये देखिएगा ये कॉर्नर अब ऐसे ही रहेगा, और अब अगेन इस ब्लॉक में जो ये वाला ब्लॉक है सिर्फ ब्लॉक्स में ही वर्क करना है। ब्लॉक्स अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जहां पहले आपने 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स किया था, इस बार देखिएगा 1, 2, 3, 4 ही रहेंगे। तो यहाँ पे अगेन ये वाला धागा ऐड कर लें, जो आपने व्हाइट वाला मैंने ऐड किया था, तो व्हाइट वाला मैं ऐड करूंगी इसमें। ये देखिए तो सेम ऐसे ही करेंगे, पहले 4 ब्लॉक बनाएंगे, फिर डायरेक्ट यहाँ से इसमें जंप करेंगे, गोल गोल वर्क करना है इसके अंदर। तो यहाँ से मैं जब स्टार्ट करूंगी, तो पहले इन तीनों में, ये जो 3 हैं इनमें 1, 2, 3, 4 हैं सॉरी, तो चारों में वैसे ही 3-3 डबल क्रोशिया बना के रेडी करूंगी। स्टार्टिंग वैसे ही 3 चैन से करूंगी, एक्स्ट्रा थ्रेड मैं बाद में सारे अंदर कर दूंगी, तो कहीं भी पता नहीं चलेंगे कि ये थ्रेड कहाँ पे हैं। फिर से एक चैन का स्पेस दिया, नेक्स्ट ब्लॉक, तो चारों पहले ये ब्लॉक बना के रेडी करेंगे। ये देखिए ये एक साइड के चारों ब्लॉक कंप्लीट हो गए, और अब सेम वैसे ही करेंगे, यहां से एक चैन बनाएंगे और डायरेक्ट इस वाले ब्लॉक पे जंप करेंगे जो इसके बगल वाला है। तो जब आप वर्क करना शुरू करेंगे, तो एक के बाद एक ब्लॉक में सिर्फ आपको ब्लॉक्स बनाने हैं, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम ऐसे ही आपको इसको ओवर करना है। अगेन
वैसे ही तीन तीन ब्लॉक्स बना के नेक्स्ट वाले कॉर्नर में जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ। यहाँ पे मैंने लास्ट ब्लॉक बनाया, उसके बाद डायरेक्ट इस पे जंप किया, तो वैसे ही यहाँ पे करिए, फिर डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे, फिर यहाँ तक आएंगे, डायरेक्ट इस वाले पे जंप करेंगे, पूरा प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। तो ये राउंड पूरा यहाँ तक बना के ऐसे ही रेडी कर लेना है। ये देखिए पूरा राउंड बना के मैंने ओवर किया, और राउंड के एंड में जब आप बिल्कुल लास्ट वाले ब्लॉक में आ जाएं, तो जहाँ से आपने वर्क को स्टार्ट किया था, जो थर्ड नंबर चैन है, इसमें अपने वर्क को ऐड कर देना है इस तरह से। बाद की जो दो डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर एक एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और इस वाले ब्लॉक में आ जाएंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। फिर से 1 2 3 तीन चैन बनाएंगे और अगेन ब्लॉक को ही फिल करेंगे। तो इसमें जैसे जैसे फ्रेंड्स आप ब्लॉक्स फिल करेंगे ना, वैसे वैसे ब्लॉक्स कम होते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा सिर्फ तीन ब्लॉक ही बचे हैं। अब बाकी का वर्क इसी सेम धागे से करना है। तीन ब्लॉक बना लिया ये मैंने, फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से बनके रेडी हो रहा है। अब अगेन आपको यहां से डायरेक्ट इस वाले ब्लॉक में जंप करना है और सेम वैसे ही पूरा राउंड बना के ओवर कर लेना है। तो ये देखिए ये वाला जो ब्लॉक है, बीच वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में इधर ही जंप करना है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीच में जो आपको दिख रहा है वो ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक सिर्फ कम होते जा रहे हैं। ये देखिएगा कुछ इस तरह से बनेगा ये वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे ही बनेगा। सिर्फ एक ब्लॉक से आपको दूसरे ब्लॉक में, मींस इधर वाली जो रो है, ये देखिए एक दो तीन चार हुआ, फिर एक दो तीन चार पांच थे, फिर 1 2 3 4 हो गए। अब इस बार 1 2 3 हो जाएंगे और उसके बाद दो हो जाएंगे। तो इस राउंड को भी सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे दोनों बनाएंगे, फिर डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे, फिर इस पे बनाएंगे, डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे और राउंड को पूरा ओवर करेंगे। वर्क के एंड में जब राउंड पूरा हो जाएगा, तो फिर से तीन चैन वाला जो पार्ट है, देखिएगा जहां पे तीसरे नंबर चैन है उसमें आपको ऐड कर देना है वर्क को। अगेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ब्लॉक पे आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बना। और अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास दो दो ब्लॉक बचे हैं, तो इसमें भी सेम वैसे ही बनाएंगे, सारे ब्लॉक्स को ही फिल करेंगे। जैसे जैसे देखिए आप ब्लॉक्स बना रहे हैं, वैसे वैसे ये वाला एरिया कम होता जा रहा है। तो सिर्फ आपको सिर्फ इसमें ही ध्यान देना है फ्रेंड्स, कि ये वाला जो कॉर्नर एक दूसरे को जो ज्वाइंट करने वाला है, इस वाले पे वर्क मत करिएगा। इसमें अगर आपने वर्क कर दिया तो वर्क में आपके झोल आ जाएगा और वर्क प्रॉपर बन के सेट नहीं होगा। और जब आप ऐसे बनाएंगे एक के बाद दूसरे में ब्लॉक में जंप करेंगे, तो देखिए वर्क कितना प्रॉपर बन के रेडी हो रहा है, कहीं भी वर्क में झोल नहीं है। तो अगेन मैं वैसे ही करूंगी, तीन चैन से स्टार्ट करूंगी और ब्लॉक्स को ही फिल करूंगी। इस राउंड को भी पूरा वैसे ही बनाना है जैसे आपने पिछले राउंड बनाए हैं। तो अब आपके पास दो ब्लॉक्स बचे हैं, तो दो पे ही वर्क कर लीजिए। एक ब्लॉक तक आपको ऐसे ही करना है, इस राउंड को भी ऐसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना है, तो इसमें नहीं करूंगी और डायरेक्ट ब्लॉक पे जंप करूंगी। एक दो और तीन, ये देखिए यहां से मैंने दो बनाए और डायरेक्ट इस वाले में जंप किया और इस राउंड को भी पूरा ऐसे ही ओवर करूंगी। और वर्क के एंड में फिर से जो थर्ड नंबर चैन है, इस पे वर्क को ऐड कर देना है। एक बार ये राउंड और बनाना है, तो नेक्स्ट वन वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया जो बनी हुई है उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के अगेन ब्लॉक में आ जाएंगे। और अब हर बार सिर्फ आपको हर सेक्शन में एक ही एक ब्लॉक बचे होंगे आपके, तो अब उन्हें भी फिल कर लीजिए। एक ये बना लिया, उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट वाले में जंप किया, 1 2 3, इसके बाद अगेन देखिएगा इस वाले में जंप करेंगे, ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक बना हुआ है
इसी में जंप किया। सिर्फ चार ही बनेंगे लास्ट वाले में, क्योंकि सब में एक ही एक बनने हैं, चार पार्ट हैं आपके तो चारों में एक एक बन जाएंगे। और अब ये लास्ट, इस तरह से बनाते हुए आपका जो ये बीच वाला पार्ट है इसे हमें फिल करना है। तीन वर्क के एंड में जहां से स्टार्ट किया है तीन चैन में वहां पे ऐड कर दें। जो थर्ड नंबर चैन है इसमें वर्क को एंड ऐड करके एक चैन बना के धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये वर्क बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो गया है। कहीं पे भी कोई भी झोल नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपने अंदर से फिल किया है। समझ ही नहीं पाएंगे आप कि आपने इसको वर्क को कहाँ से स्टार्ट किया है। तो इसी तरह से आपके पास जितने भी ये स्पेस बचे हुए हैं, जैसे मैंने इसको बनाया है सेम वैसे ही आपको बाकी भी बना लेने हैं। मेरे पास टोटल तीन स्पेस हैं, एक मैंने फिल कर लिया, दो और बचा है। तो पहले इसे फिल कर लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगी कि इसे यहाँ पे कैसे करना है। तो इन दोनों को भी, या तो आपके पास जितने हैं उतने पहले फिल कर लिए। इस तरह से मैंने अपने जितने भी अंदर का स्पेस था वो सारा फिल कर लिया है। और अब हम लोगों को करना क्या है, ये कट्स फिल करने। ये कट है, ये कट है, इधर ही देखिएगा ये कट बना हुआ है, इधर ये कट बना हुआ है। तो ये जितने भी कट्स हैं इन्हें फिल करने हैं। जैसे मैं एक कट बताऊंगी आपको वैसे ही ये सारे कट फिल करने होंगे आपको, ये भी, ये भी। इसके बाद जो इधर वाला है, इधर के तीन हैं प्लस ये, तो सारे आपको वैसे ही फिल करने होंगे। स्टार्टिंग मैं यहां से बता दूंगी आपको कि यहां कैसे करना है। सबसे पहले यहां पे धागे को ऐड कर लेंगे, अगेन डार्क वाले धागे को ही इसमें ऐड करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री, तीन चैन बनाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को बाद में अंदर ही कहीं पे सेट कर देते हैं। और तीन चैन बनाने के बाद देखिएगा ये जो पहला ब्लॉक है ये हमारा वी बना हुआ है। इस वी में जो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है तो इसमें बनाना है। यहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग करनी है हमें, जो कॉर्नर वाला पार्ट है देखिएगा ये जो साइड है इससे सिर्फ स्टार्टिंग करनी है। तीन चैन बनाना है और फिर पहले ब्लॉक में तीन डबल क्रोशिया, जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं एक साइड में उसमें ऐसे ही तीन तीन डबल क्रोशिया। तो टोटल देखिएगा इस कॉर्नर को अगर हटा दे तो वन टू थ्री फोर फाइव, एक में बना लिया, वन टू थ्री फोर ब्लॉक्स और बचे हुए हैं। बीच का जहाँ पे हम लोग इसे ऐड करते हैं उस पर कोई वर्क नहीं होता है। तो पहले ये चारों ब्लॉक वन टू थ्री फोर जो बचे हैं उन्हें भी बना लेते हैं एक चैन, और वैसे ही सब में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पांच, पांचों बना लिया। और उसके बाद अब ये वाला जो है इस पे और इस पे, इन दोनों पे कोई वर्क नहीं करना है। जहां पे ऐड किया है वहां कोई वर्क नहीं करना है। और वी के दूसरे वाले साइड में ये देखिएगा ये वाला जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इस पे आ जाएंगे सीधे जंप करके। इनके बीच में यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना, सीधे यहाँ पे आ गई। और अगेन सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करूँगी, वैसे ही तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसमें भी वैसे ही पांच ब्लॉक्स हैं तो टोटल पांच बार तीन तीन डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए इस तरह से बनाऊंगी। और ये कॉर्नर से पहले वाला जो ब्लॉक है यहाँ तक बना के रेडी करूंगी। इस तरह से बन के रेडी हुआ। और अब एंड में वन टू थ्री, तीन चैन बना के ये वाला जो साइड है हमारा, ये देखिए जहाँ पे कॉर्नर साइड है यहाँ पे वर्क को ऐड कर देंगे। एक चैन बना के धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इधर भी इस तरह से बन गया और इधर भी इस तरह से बन गया। और अब अगेन इस वाले पॉइंट पर जहाँ से स्टार्टिंग की थी ये वाली जो चेन है इसमें व्हाइट वाले धागे को ऐड करेंगे। देखिए ऐड कर लिया धागे को, जो तीन चेन बनाई थी पहले वहीं पे ऐड किया है। और फिर से अब तीन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री। और तीन चेन बनाने के बाद ये जो पहला ब्लॉक इसमें है इससे वर्क स्टार्ट करेंगे। इसमें भी अब ब्लॉक्स कम होते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसे बनाएंगे ब्लॉक्स आपके कम होते जाएंगे और एंड में आपके पास सिर्फ एक ब्लॉक ही बचेगा। अगेन वैसे ही
सारे ब्लॉक्स बना लेंगे। तो ये वाले ब्लॉक्स देखिए जैसे बनते हैं, यहाँ बनाया, बीच में वर्क नहीं किया, जैसे यहाँ पे इस वाले स्पेस पे नहीं किया था वैसे यहाँ भी नहीं करूँगी और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप करूँगी। तो पहले यहाँ तक बना लेते हैं, ये देखिए। तो इस बार नीचे पहले 5 थे, 1 2 3 4 5, अब इस बार 1 2 3 4 ही हो गए, एक साइड पे 4 हो गए। और अब दूसरे साइड पे इस जगह पे वर्क नहीं करना है क्योंकि ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये देखिएगा यहाँ पे। तो इसके बाद सीधे इस वाले ब्लॉक पे जंप करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो ये 1 2 3 यहाँ तक बना लेंगे पूरा, इन तीनों में भी ऐसे ही 1 बन गया, 2 3 4 4 ब्लॉक इसमें भी बना के रेडी करेंगे। इस तरह से पूरे में बना लिया और बनाने के बाद अगेन 1 2 3 3 चैन बना के इस वाली चैन पे ही वर्क को ऐड कर देंगे। अगेन ऐसे टर्न करेंगे और बीच वाली स्पेस पे आ जाएंगे, जो चैन स्पेस है वहां पे आ जाएंगे और फिर से यहीं से 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और जो ब्लॉक बने हुए हैं इनमें सेम वैसे ही बना के फिर से लास्ट तक जाएंगे। ये देखिए अब इस बार 3-3 ब्लॉक्स हो जाएंगे, तो 3 इधर, 1 2 3 इधर हो जाएंगे और 1 2 3 इधर हो जाएंगे। तो यहां तक बना लीजिए पहले, ये सारे ब्लॉक्स बना के पहले रेडी कर लेते हैं और पूरा बनाने के बाद वर्क एंड में फिर से 3 चैन बना के इसे ऐड कर देंगे। 3 चैन बनाया और ये जहाँ से ये 3 चैन बनी हुई है पहले स्टार्टिंग में, यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। वर्क को टर्न करेंगे, फिर से 3 चैन वाले स्पेस पे आ जाएंगे, इस तरह से अगेन 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और दूसरे वाला उसके नेक्स्ट वाले जो में जो ब्लॉक्स बने हैं उन पे ब्लॉक्स बना के रेडी करेंगे। अब इस बार दो दो ब्लॉक्स बनेंगे दोनों साइड, 1 2 इधर है और 2 इधर है, तो दोनों में ब्लॉक्स बना के फिर से इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 2 इसमें बना लिया, 2 इसमें, बीच वाले में वर्क नहीं करना है तो बीच वाला जहाँ ज्वाइन किया है वहाँ पे वर्क नहीं किया है। अगेन 3 चैन बनाएंगे, वर्क को अपने 3 चैन वाले स्पेस पे ऐड कर देंगे, फिर से वर्क को टर्न करेंगे। अब ये लास्ट राउंड है, तब तक बनाना है जब तक आपके पास एक ब्लॉक ना रह जाए। बीच में आ गए 3 चैन वाले स्पेस पे, अगेन 3 चैन बनाया और इस बार सिर्फ इसमें एक ब्लॉक बनेगा और उधर वाले में एक ब्लॉक बनेगा, 1 2 3 3 चैन ये बनाई, एक चैन का स्पेस दिया और अब इस वाले में एक ब्लॉक बना लेंगे और 3 एक चैन, 2 चैन और 3 चैन, 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन वाले स्पेस पे वर्क को ऐड करके एक चैन बना के धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जैसे ही इसे फिल किया ये पार्ट बिल्कुल सीधा हो गया। यहाँ से ऐसे ही आपको जितने भी हैं आपके पास जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं ये जितने भी कट्स हैं आपको सबको ऐसे ही फिल करना है, 1 2 3 ये वाला, 3 इधर वाले प्लस ये इधर वाला जो लंबाई में है इसे भी ऐसे ही फिल करना है। सेम ही प्रोसेस इसमें भी करना है जैसे इधर किया है। तो इन सारे ब्लॉक्स को पहले फिल कर लेंगे, उसके बाद इसका जो ये कॉर्नर वाला साइड है ये जो कट बना हुआ है इसे भी प्रॉपर शेप देंगे ताकि ये हमारा रेक्टेंगल शेप पूरा यहाँ से ये ऐसे कट ले सके। तो सारे ये ब्लॉक्स पहले फिल कर लेते हैं, ये सारे कट्स पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाला कॉर्नर बनाएंगे। तो इसे बना के पहले मैं रेडी कर लेती हूँ फिर इसके आगे बता। से देखिएगा मैंने जितने भी कट्स बने हुए थे, 1 2 3 इधर बना हुआ था और 3 कट इधर था, 1 इधर हो गया, 1 2 3 इधर हो गया और ये जो इसका दोनों ऊपर और नीचे का कट था वो दोनों सारे मैंने फिल कर लिए हैं। सेम ही पैटर्न पे ये वाला भी फिल करना है जैसे आपने ये फिल किया है, क्योंकि इतने ही पैटर्न इसमें भी बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 ही बना था, 1 2 3 4 5 तो सेम ही पैटर्न होगा इसका भी। और अब हमें क्या करना है, ये वाला देखिए ये जो कट है ना ये वाला इसे फिल करना है। तो ये इस वाले कट को अब हमें इस तरीके से बनाना है कि ये इसका जो लुक आएगा वो इस तरीके से ऐसा बन जाएगा कि ये इधर से ये सीधा हो जाएगा और इधर से ये सीधा हो जाएगा। पैटर्न सेम ही करना है, बस मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे मैं एक साइड का बनाऊंगी सेम वैसे ही आपको इसमें 4 साइड्स बने हैं इस तरीके के कट के, एक इधर है, एक इधर है और 2 नीचे की साइड है, तो इन चारों में आपको ऐसे ही कवर करना है। तो सबसे पहले ये देखिए
जहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया वाला पैटर्न था, इसी पैटर्न पे जहाँ जैसे इधर वाले धागे को ऐड किया था सेम वैसे ही इधर भी धागे को ऐड कर लीजिए। देखिए धागे को ऐड कर लिया, धागे को ऐड करके सेम ही प्रोसेस को करना है। सबसे पहले तीन चैन बना लेंगे, 1 2 3, और तीन चैन के बाद जो ब्लॉक्स बने हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये नेक्स्ट पैटर्न है जहाँ पे हमने ऐड किया था साइड का। ये देखिए एक ये साइड जा रही है, एक ये साइड जा रही है जिसमें हमने तीन डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया था, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक्स हैं। इन सबको वैसे ही फिल करना है जैसे हमने बाकी के फिल किए हैं, तो तीन तीन डबल क्रोशिया से फिल करेंगे। पहले तीन डबल क्रोशिया बना ली, फिर एक चेन बना लेंगे, और एक चेन बनाने के बाद अगेन इसमें तीन डबल क्रोशिया, यहाँ से स्टार्ट किया और सब में तीन तीन डबल क्रोशिया बना के फिल कर लिया। अगेन यहाँ पे तीन चैन बना लेंगे और तीन चैन बना के ये वाला जो बीच वाला पैटर्न है इसमें वर्क को ऐड कर देंगे। एक चैन बना के धागे को कट करेंगे और अगेन ये जो तीन चैन वाला स्पेस है यहाँ पे धागे को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो पहली तीन चैन हमने बनाई थी वर्क को ऐड करने के बाद वहां पे अगेन वर्क को ऐड किया और सेम वैसे ही अपने वर्क फिल करना है इसे। पहले फिर से तीन चैन बना लीजिए और जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है यहाँ से तीन तीन डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करिए और जितने भी ब्लॉक्स हैं फिल करिए। अब पहले आपके पास पांच ब्लॉक थे, इस बार चार हो जाएंगे, फिर तीन हो जाएंगे, फिर दो और फिर एक। तो इस तरह से हर बार आपको ब्लॉक्स कम करने हैं और जब तक आपके पास एक ब्लॉक ना हो जाए तब तक इसे कंटिन्यू रखना है। दो, ये देखिए 1 2 3 4, फोर ब्लॉक बन गया। अगेन वैसे ही पहले तीन चेन बना के वर्क को ऐड करेंगे और फिर से वर्क को टर्न करेंगे। जैसे ये वाला फिल किया था फ्रेंड्स आपने, सेम वैसे ही आपको इसे भी फिल करना है। बस वो दो साइड से फिल हो रहा था, ये सिंगल एक ही साइड से फिल होगा। देखिए यहाँ ऐड किया और इधर ऐड कर दिया, वर्क को टर्न करके जो तीन चैन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, फिर से तीन चैन बना के फिल करना स्टार्ट कीजिए। तो पहले इसे फिल कर लेंगे, अब इस बार तीन ब्लॉक्स रह जाएंगे सिर्फ। तो तीन डबल क्रोशिया एक में बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और सबको फिल करेंगे। 1 2 3 हो गया, फिर से तीन चैन बना के वर्क को ऐड करेंगे। तो इसी तरह दो राउंड और बना लेंगे। पहले पांच था, फिर चार हुआ, फिर तीन हुआ, फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे, दो बनाएंगे और फिर से एक स्टार्ट करके एक बना लेंगे। जब तक एक ना हो जाए तब तक इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। देखिए तीन के बाद दो बनाया, दो के बाद एक बना लिया, एक के बाद वैसे ही तीन चैन बनाएंगे और लास्ट वाली चैन जो है ये हमारी, इसे ऐड कर देंगे। इस तरह से चैन बना के धागे को कट कर लेंगे और ये देखिए ये बिल्कुल इसका प्रॉपर शेप बन के रेडी हो गया। हो गया है ना, ये देखिए जैसे ये मैंने भरा, ये वाला कट है, सेम वैसे ही आपको इस कट को भी भरना है जो इधर के साइड है। ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है, ये आपका लंबाई में हो गया और ये आपकी चौड़ाई में हो गया। और जैसे ही आप अब इसमें बॉर्डर बनाएंगे वैसे ही ये वर्क बिल्कुल फाइन लगेगा और कहीं से भी कोई बता ही नहीं सकता इसमें कि आपने कहां से इसको फिल किया है, किस तरीके से इसे जोड़ा है और कैसे बनाया है। तो इसे जितने भी आपके पास कॉर्नर्स बचे हैं, एक कॉर्नर मैंने फिल करके बता दिया, सेम वैसे ही आपको चारों कॉर्नर को फिल कर लेना है। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट टू में। पार्ट टू में मैं आपको इसका बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बॉर्डर बनाना बताऊंगी जिसको बनाने के बाद इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा टेबल कवर। तो पार्ट टू को देखने के लिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक के थ्रू इसके पार्ट टू को देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाके इसके पार्ट टू को देख सकते हैं। तो चलिए मिलूंगी कुछ नए आइडियाज के साथ, कुछ नए आइडियाज के साथ मीन्स इसी के पार्ट टू के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।